उम्र क्या है? उम्र तो बढ़ती ही चली जाती है, और वो कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए उम्र नहीं, लगन और जज्बे की जरूरत होती है। लेकिन एक उम्र के साथ हर इंसान चाहता है कि वो आराम करे। रिटायरमेंट कौन नहीं चाहता, क्योंकि रिटायरमेंट निजी विकास का समय होता है, जिसमें वो पूरी तरह से हर जिम्मेदारियों से मुक्त हो, अपने जीवन को बस खुशी और आराम से जिए। लेकिन हर किसी की अलग मजबूरी उन्हें इस चीज की इजाजत ही नहीं देती। आइए हम आपको मिलाते हैं कैसे रियल हीरो कपल से, जिन्होंने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी में भी मेहनत कर अपने पैरों पर खड़े होने का विकल्प चुना। ये वृद्ध दंपत्ति नागपुर के पंडित नेहरू कॉन्वेंट टांडापेट के पास सड़क किनारे बैठकर पोहा, चना और आलू बोंडा बेचते हैं, और वो भी मात्र 10 रुपए में। अपनी जीवनी चलाने का कोई सहारा ना होने पर और अपने घर का किराया, बिजली बिल भरने के लिए इन्होंने पोहा चना बेचने की शुरुआत की आज से 4 साल पहले। ये वृद्ध दंपत्ति 10 रुपए में पोहा और 15 रुपए में आलू बोंडा बेचते हैं। इन सब की तैयारियों के लिए ये दोनों सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और ठीक 6 बजे अपनी रोज वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। न चेहरे पर शिकन, न कोई शिकवा लिए ये अपने स्टॉल पर आए हर शख्स को एक मुस्कान के साथ नाश्ता खिलाते हैं। इनका कहना है कि जीना है तो काम तो करना पड़ेगा, किसी से मांगने से बेहतर है हम खुद मेहनत कर अपने घर को चलाएं। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी सफर की कहानी। रियल हीरोज के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीकेबी न्यूज में मीनाक्षी एडा आपके साथ यहाँ पर लेकर आई है कैसे रियल हीरो से मिलाने। बल्कि एक हीरो नहीं है, वी हैव टू हीरोज हियर विद अस। स्पेशल हीरो में जब बात आती है किसी स्पेशल हीरो की, तो स्पेशल क्वालिटी हर किसी की होती है, मेहनत हर कोई करता है, लगन हर किसी की होती है अपने काम के पीछे। लेकिन जब बहुत सारी कठिनाइयां हो और उस कठिनाइयों में जब हम लगन करके अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और स्पेशल हम सर्वाइवल के लिए जब जीते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पेशल हीरो, राइट? लेकिन हम आज जिनके साथ हैं, जिन स्पेशल हीरोज की हम बात कर रहे हैं, वो हैं अपने सेकंड इनिंग्स में, अपने सेकंड पड़ाव में जिंदगी के। ऐसे पड़ाव में तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम आराम करें, अपने पोता पोतियों को खिलाएं, लेकिन इस उम्र में अपने सर्वाइवल के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए चलिए उनसे बात करते हैं। आज मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारे से दादा दादी कह सकते हैं, काका काकू कह सकते हैं। काकू आपले काम म्हणाल की किती वर्ष झाले तुम्ही इकडे? आम्ही 16 डिसेंबर पासून 5 वर्ष झाली इथं करत आहोत। 16 डिसेंबरला 4 वर्ष होईल। तुम्ही असं कसं, याने ये सुधारला है कि पोहा बेचना है अपने को, क्यों? मतलब अभी तो आप घर पे हैं, और घर पे कौन कौन है आपके? कोई नहीं है, हम दोनों जन। इसके पहले कौन था? लड़किया था, शादी हो गई। नहीं, लड़का नहीं है, लड़कियों की शादी हो गई, पांच लड़कियों की शादी हो गई। तो आपने अपने घर को चलाने के लिए पोहा और चने की शुरुआत कर? हाँ, है ना। हाँ, लड़कियां थे जब तक घर में, लड़कियां चलाई, अब गलड़िया चली गई तो हम दोनों करते थे खाते हैं। 16 दिसंबर को 4 साल पूरे हो गए। हाँ, अब करो, अब छोटी लड़की नजदीक में रहती, किराए से उसको थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, हमारा खाने का 2 टाइम का डब्बा वही लड़की बना कर देती है। काकू हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को जीने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपका तो जिंदगी का दूसरा पड़ाव है ये, आपको कठिनाइयों का कहीं सामना करना पड़ा होगा, ऐसी कौन सी कठिनाई देखी आप लोगों ने? कोई कठिन अभी कमाओ रखाओ, किराए दो, किराए से रहते हम लोग। हाँ, कितना किराया होगा घर का? अभी 16-17 सौ हो गया बिल्डर के, एक ही रूम है, वो छोटा सा रूम है, कैसे गुजारा कर लेते हैं अपन। कब से शुरुआत करते हैं, सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? हम 4 बजे सवेरे। 4 बजे तो काका आपकी कितनी हेल्प करते हैं? काका 5 बजे उठ जाते हैं, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। सब सुबह मैं लेट उठता हूँ, ये पहले उठ जाती है, उसके बाद में आधे घंटे के बाद में कम से कम ये करना वो करना सवेरे करती हूँ, मैं सुबह से करती हूँ। मसाला बनाना सवेरे बनाती हूँ, रात में बना के नहीं रखती, सभी गर्म तैयार करती हूँ, बासा नहीं रखती। अच्छा, कहीं ना कहीं अब आप पोहा तुरंत बनाती हैं, इसके पीछे का कारण?
क्योंकि कोई आते है तो ठंडा है क्या है और बासा आई है वहाँ है ऐसा करके थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। सही बोल रही एकदम सही। इसके साथ साथ आप क्या क्या बनाते हैं? चना रसा चिवड़ा चिओ प्याज आलू गुंडा। हाँ काका मैं पूछूंगी कि अभी आप ये इतना काम कर रहे हैं और लोग अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आपने जब शुरू किया तो कोरोना का काल था, वो कोरोना काल में कैसी दिक्कतें देखी आपने? साल में तो बहुत दिक्कत हुई, ये दूसरे का दूसरा कोरोना जब हुआ इतनी परेशानी हुई कि बहुत ही धंधा बंद, पैसे का आवक जावक बंद हो गया, कैसा बना करे काम कैसा नहीं। अब फिर एक टाइम बनाओ दो टाइम खाओ। कोरोना में तो बड़ी दिक्कतें थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, अंदर अंदर बैठे थे, लेकिन इतनी दिक्कत जैसे घर में थे पैसे निकल गए हाथ से। अभी वर्क कर रहे हैं जब से। अभी तो आप बहुत ज्यादा वायरल हो गई हैं सोशल मीडिया पे, तो लोग आपको दूर दूर से यहाँ पर मिलने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पोहा खाने आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत में जब आपने शुरू किया तो कहीं ना कहीं तकलीफें तो हुई होगी। बहुत तकलीफ हुई, जब हम 5 रुपए के देते थे हम लोग, अभी 10 का दिया तो 10 को भी नहीं पूरा, सब महंगा हो गया ना। पर नहीं दिया तो अपन 10 का दूसरा 15 के देंगे, दूसरा 10 का देंगे तो आ जाएंगे अपने पास आएंगे, फिर हम भी 10 के लगा है। कहीं ना कहीं निराशा भी होती है, हम इतनी उम्र में काम कर रहे हैं और आपको कहीं सपोर्ट की पीछे कोई सपोर्ट नहीं, आप एक दूसरे को इतना साथ दे रहे हैं, क्या करेंगे? हाँ एक दूसरे के साथ, लड़की है, लड़की थोड़ा सा साथ देती थी, खाना वाना बना देती वो जी। वो भी किराए से, सबसे छोटी 8वां नंबर लड़की वो छोटी है, उसका वही काम सपोर्ट दे देती है, वहाँ खाना बना देती है। जीवन संगनी को सपोर्ट करना तो बहुत अच्छी बात है, और काका कितने अच्छे बखूबी आप ये चीज को निभा रहे हैं। निभाना ही पड़ेगा अपने को, नहीं निभाओ तो लड़कियाँ है नाती है अपने, उनके माँ बाप है, कौन देंगे उनका सपोर्ट? उनका भाई नहीं ना, बहन नहीं है, कोई नहीं है, फिर कौन सपोर्ट देंगे? माँ बाप भी देंगे ना, किसका घर देंगे? लोगों से क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं अपने जिंदगी के दूसरे पड़ाव में लोग बहुत निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ क्या कहोगे? हम निराश होकर जीना नहीं चाहते, खुशी के साथ में जीते, जो होने का होगा। अगर टेंशन लेके जीता आदमी तो कल जाने का वो आज ही जाता है, ये परिस्थिति आती, फिर सोचना गलत है। सोचते नहीं, जब तक होता है जब तक करो, फिर आगे के देखे जाएंगे। है अपने जवाई बेटी देखेंगे, 5 जवाई है, 6 है, 7 नाती है, 4 नाती है, जुड़वा है उसमें। हाँ सब हम अपना कमाएंगे खाएंगे, अपने इस पे जिंदगी जिएंगे। 12 साल जब से मैं माँ के यहाँ थी, जब से मैं ऐसी काम करती हूँ, सवेरे से उठ के काम करती हूँ, यहाँ आते यहाँ इनके यहाँ थे, इनके यहाँ भी ऐसी काम करती, 40 साल हो गए अभी। आपको 40 साल हो गए काम करते? हाँ नहीं, अब वैसे 68 साल हो गए, 67 साल काम, 12 साल की जब से काम कर रही, पर इनके यहाँ तो यही सवेरे से उठ के काम करती, मैं क्या थी वही भी काम करती थी। मेरे चाचा लोग थे ना, तो जब ड्यूटी पे जाते थे तो भाई मेरे को डब्बा बना के देना, तो बहन बड़ी थी तो उन्होंने बना के, तो भाई मैं बना के देती थी। चलिए अब आपको मिलाते हैं उस फूड ब्लॉगर जोड़ी से जिनका नाम है विवेक और आयशा। इन्होंने इस वृद्ध दंपति का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और कुछ ही घंटों में इस वीडियो ने देश के कई अलग अलग जगहों पर पहुँच कर कई लोगों का दिल भी जीत लिया। So, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे जो रियल हीरोज हैं इस सेगमेंट में, और स्पेशली जब लास्ट एपिसोड में हमने SSD राइस शोला देखा था, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रमोशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड स्टॉल्स हैं या फिर फूड कैफेज़ हैं, इन्हें प्रमोशन के तौर पर काम कर रहे हैं हमारे नागपुर के द बेस्ट फूड ब्लॉगर्स, और इनसे मिलाने के लिए हमारे साथ हैं ईटोग्राफर्स विवेक एंड आयशा, और इन्होंने मुझे इनसे मिलवाया है। तो क्या कहोगे कि तुम्हें कहाँ मिले अंकल? एक्चुअली हम लोग ने इनको भी यूट्यूब पे देखा था, और ये मतलब हमको लगा कि यार बहुत नीडी है ये, और हमको लगा कि इनको कवर करना चाहिए, तो फिर हम लोग ढूंढते ढूंढते आए, क्योंकि बहुत अंदर और बहुत ही आउट एरिया में पड़ता है ये, तो हमने कैसे तो भी इनको ढूंढ ढूंढ के आए और इनके पास फिर इनको कवर किया। और फिर व्हाट यू से आए? हम लोग घूमते हुए आए, देखा, और हमारा बस एक ही एम था कि हम इनको हेल्प करें कुछ, और काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग हैं, वी शुड हेल्प हार्ड वर्किंग पीपल। या
यही कहती हूँ ना कि देखिए मेहनत हर कोई करता है, बट कहीं ना कहीं एक छोटा सपोर्ट भी हो जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली फ़ायदेमंद साबित होता है, एंड इट हेल्पफुल फॉर देम। मेरे साथ ना मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं शोएब, इनको तो आप पहचानते हो यार, इनको कौन नहीं पहचानता। शोएब ने मुझे बहुत हेल्प की, लेकिन शोएब से मैं जाऊँगी, शोएब तुम्हारी नज़र में रियल हीरो कौन है? देखो रियल हीरो वही है कि जो बोलते हैं ना कि हीरे की परख जो जौहरी को ही होती है, तो आई फील कि अगर जो पर्सन, देखो ये सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आज की डेट में इनके बारे में लोगों को तभी पता चला जब किसी एक पर्सन ने एक इनिशिएटिव लिया कि चलो मैं इसके बारे में पब्लिक को बताऊँ। तो आई फील के दोनों ही रियल हीरो है, जो करता है वो भी और जो उनके बारे में लोगों को बताता है वो भी, दोनों ही रियल हीरो है आज की डेट में। तो ये थे आज के सेगमेंट के रियल हीरोज़, सच में इन्हें सलाम करना पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव में सेकेंड इनिंग में इतना ही जज्बा इनमें बना हुआ है अपने सर्वाइवल को लेकर, और कई बार हम ऐसे निराश हो जाते हैं, हम इस मौके पर भी हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कई बार कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो वी गेट सो डीमोटिवेटेड और हम सोचते हैं अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें इनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है, इन्हें कहते हैं हम रियल हीरोज़। वी के बी स्पेशल में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और रियल हीरो के साथ, तब तक लिए मीनाक्षी साइनिंग ऑफ। अगर आप नागपुर के हैं या फिर नागपुर आ रहे हैं तो आपसे बस इतनी ही इल्तिजा है कि इनके यहाँ जाकर पोहा और चना ज़रूर खाइएगा, शायद इनकी थोड़ी मदद हो जाए, इनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाए। इस बुजुर्ग जोड़ी के जज्बे को वीकेबी न्यूज़ का सलाम।